अब एक सवाल और एक मैं टीचर एक सवाल बिल्कुल। देखिए मुझे ना अब किचन के हवाले से, खाने के हवाले से कुछ चीजें पूछनी थी जी। शेफ क्योंकि यहाँ है तो मैंने कहा उसका फायदा एक लोगों को समझ नहीं आती, वो कुरकुरी वाली जो जबरदस्त किस्म की ना प्याज आप लोग ब्राउन करते हैं वो कैसे करनी होती, बहुत सारे लोगों को नहीं समझती। हम लोग घर में करते हैं तो बहुत अजीब सी लिजी सी पता नहीं क्यों हो जाती है, जबकि कागज पे भी निकाल के देख ली, टिश्यू पेपर पे भी निकाल के देख ली, तो मैंने तो अपने मियाँ से सीख ली, लेकिन अभी आपको सिखाएंगी। अच्छा ठीक है। अच्छा दूसरा ये कि खाने में कभी हल्दी डल गई, अब शक्ल तो बेरौनक हो जाती है, बदरौनक से अजीब सी, उससे कैसे कम करें? या नमक तेज हो जाए और नमक कम, हाँ वो तो बढ़ जाएगा ना। नहीं बड़े नहीं, आपने बना लिया खा लिया मतलब आपका रेडी हो गया ना, और आपने कम, जैसे मैं नहीं चखती खाना, अच्छा मैं टेस्ट ही नहीं करती कभी भी, मगर मेरा तेज नहीं होता, मेरा कम हो जाता है नमक, तो कम हो जाता है और खा भी लिया तो आपको कच्चा नमक भी डालना ठीक नहीं होता कि आपने ऊपर से डाला और कच्चा नमक खा लिया, वो सेफ नहीं और हेल्दी भी नहीं है, तो फिर उसको क्या वापस डाल के पकाएं? मैं बताती हूं आपको। एक तो पहला इनका पहले कर दूं कि आपके 3 सवाल हैं। पहला तो आपने पूछा कि नमक कम हो गया कि मैं टेस्ट नहीं करती, कुछ काफ़ी औरतें होंगी, मेजॉरिटी हमारी ऐसी होगी कि इस तरह के उनके इश्यूज़ हैं, तो टेबल पे आप बजाय आयोडाइज्ड सॉल्ट के आप पिंक सॉल्ट रखें या काला नमक रखें, दैट इज़ नॉट बैड फॉर हेल्थ, वो अच्छा है हेल्थ के लिए, ठीक है। पिंक सॉल्ट या काला नमक वो आप ऊपर से छिड़क सकते हैं अगर ऐसा हो जाए, या कोई ऐसी सॉस रख लें चिली सॉस टेबल पे जिसके अंदर थोड़ा नमक हो, तो वो आप खाने पे डाल के, जैसे स्टेक्स हैं सैलेड हैं उसमें तो आप कर सकते हैं, बट नमक अगर आपने डालने तो आप पिंक सॉल्ट या ब्लैक सॉल्ट डाल सकते हैं या रॉक सॉल्ट, ठीक है जिसको कहते हैं। सही है, ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। और अगर ज़्यादा हो जाए तो वो तो काफी घरेलू औरतों को पता होगा कि आटे का गोला बना के, लेकिन शर्त यह है कि आटे में भी नमक ना हो, क्योंकि हम जब आटा गूंथते हैं थोड़ा सा नमक डालता है। ये वैलिड पॉइंट, ये हमने सोचा ही नहीं कभी, तो वहीं से गूंदे हुए आटे से निकालते हैं ठक्का और डाल देते हैं। थोड़ा सा भून लें, जल्दी से भून लें, वो उसको रेस्ट नहीं देना, आपने घोल के उसको अच्छे से बना के, और जब पेड़े बन जाए 3-4 पेड़े उसमें डाल दिए, उसके बाद चेक करते रहे, जब नमक उसने खींच लिया। वो चावल भी क्यों ना हो, चावलों अगर में चावलों में भी नमक करना है, नमक चावलों में आपको कंट्रोल करना है। चावलों के लिए मैं बताती हूँ कि आलू, हाँ आलू के पीस करके 4 आलू घुसा दिए चावलों के अंदर कच्चे, और हाँ कच्चे, और फिर वो पकाते हुए जैसे नमक तेज हो गया तो आलू सॉल्ट को खींच लेता है। आपने देखा होगा आलू गोश्त बनाते हुए नमक अक्सर कम हो जाता है, वो इसलिए कि आलू मीठा होता है, आलू स्टार्च होता है, उसमें शुगर का कंटेंट बहुत है, तो वो मीठा कर देता है सालन को। तो अगर आपको किसी चीज़ को भी नमक के साथ बैलेंस करना है, यू कैन ऑलवेज ऐड पोटैटोज और आटा गूंदा हुआ, ठीक है। ये आपके आंसर हो गया। अच्छा आपने जो पूछा कि कुरकुरी प्याज, एक तो भाई शेफ की बीवी बैठी है, ज़रा डर ही लग रहा है कुछ बोलते हुए, कहीं मेरा भंड पकड़े नहीं, मजाक कह रही हूँ। अच्छा देखिए जो हम रेस्टोरेंट्स में हम कुरकुरी प्याज बनाते हैं, तलते हैं, उसका सबसे बड़ा ये इशू होता है कि प्याज एक जैसी इवन स्लाइस नहीं होती, यूनिफॉर्मिटी कट में नहीं होती, एक साइड से इतना बड़ा पीस आ रहा है, तो कोशिश करें कि आप उसको लेवल में काटें, जितना बड़ा एक स्लाइस है उतना ही बड़ा दूसरा स्लाइस हो, अगर बारीक काट बारीक काटें, और उसको अगर बड़ा छोटा हो भी गया, हर कोई इतना प्रोफेशनल नहीं होता नाइफ में, नाइफ स्किल्स में, तो आप उसको बाद में भी उसको थोड़ा काटें, लेकिन मेक श्योर करें कि सेम साइज़ हो, ताकि जब वो तेल में जाएँ तो हीट अच्छे से जनरेट हो और एक ही टाइम पे सारी पकें। एंड प्लीज़ मेक श्योर कि हर वक्त आप उस पर चमचा चलाते रहें, बिकॉज आप कुछ औरतें ऐसा करती हैं, लड़कियां लड़के छोड़ देती हैं, वो छोड़ देते हैं, बच्चे को गए काम करके फीडर पे लाके आ गए वापस, तो वो ऑब्वियसली साइडों से हीट ज्यादा होती है, जो आपके पैन फैलाना चाहिए, मिलाने में होता है, हीट जनरेट होती है और रिवॉल्व होती है हीट पूरे पैन। सॉल्ट डाल दें, क्रिस्प हो जाएगी, क्रिस्प हो जाएगी। सॉल्ट भी डाल सकते हैं, एंड ऑल्सो इसकी एक टेक्निक होती है, शुरू में आप चूल्हा तेज रखें, तेज चूल्हे पे ही हो, शुरू में आप चूल्हा तेज रखेंगे, एग्जैक्टली, तो जब आप डालेंगे तो प्याज का पानी जल्दी जलेगा, जब जल्दी जलेगा तो वो क्रिस्पी हो जाएगी, ऊपर से उसका एक्सटीरियर क्रिस्पी हो जाएगा, बाहर का सरफेस, और अंदर जो है ना वो नरम रहेगी। उसके बाद जब आप बीच में उसको हल्का करें और चलाते रहें, और एंड में आप दोबारा उसको तेज करें, ताकि वो अपना सारा तेल छोड़ दे, और उसको फिर आप छन्नी से निकालें, जो स्पाइडर होता है जो आपका, जिससे आप निकालते हैं अपनी फ्राइंग की चीज़ें, और उसको किचन पेपर पे फैला दें, ठंडा करें और फिर आप उसको यूज़ करें। और अगर स्टोर भी करना है तो किसी किचन पेपर के अंदर या एब्जॉर्बेंट कोई आपका बॉक्स हो जिसके अंदर आप किचन पेपर, जैसे मैंने हरी पत्तों की सब्जियों को बताया, उस तरह आप स्टोर करें। कोशिश करें उसको कवर ना करें, फ्रिज में ना रखें, उसको बाहर ही रखें, क्योंकि वो ख़राब नहीं होगा। इफ़ यू वांट टू वॉच मोर एंड गेट अपडेटेड, सो फॉलो ARY Digital's YouTube पेज।